अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। सम डीए मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 2 रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, जिसमें दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू, लेट किया हमने एक डिपेंडेबल वेरिएबल को, और हमने बोथ साइड पर, ये दूसरी साइड पर आप देख लें, बल्कि सॉरी बोथ कह रहा हूँ, राइट साइड पर हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी दो एक्सप्रेशन है, एक x माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस टू का की पावर होल 4। अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट हालते रोजे में मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को है वो आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना है, ठीक है। काफी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो डी डिवाइड बाय डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय डी एक्स। अब जो आपके पास जो है राइट साइड पर भी ये दोनों एक्सप्रेशंस आ गए इस तरह से, ठीक है, और अब आपने जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो लेफ्ट साइड पे dy डिवाइड बाय dx आ गया, और इस पे आपने अलग प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अब तो इसमें देखिए कि ये x माइनस वन का क्यूब फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो है वैल्यू आपने लिख लेनी है, प्लस आपने फिर सेकेंड वैल्यू को एज इट इज रहने देना है, और अब आपने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है, इस तरह से। तो ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये भी 4 ही है, मुझे लग रहा था कि परी को होगा तो पढ़ने में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो आपने ये dy डिवाइड बाई dx तो वैसे ही आ गया, तो आपका x माइनस वन की होल पावर क्यूब है वैसे ही रही। यहाँ पर अब आपने पावर रूल लगाना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पावर शुरू में, और बेस को लिख दें पावर एक कम करके, फिर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये है आपका 4 माइनस वन, आप इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर के इस x प्लस 2 का। ये तो हो गया एक डेरिवेटिव, प्लस आपने आप लिखनी है सेकेंड वैल्यू, और जो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव है वो लिखेंगे यहाँ पर पावर शुरू में, इस x माइनस वन को लिखें इसकी पावर एक कम करके, और अब आप डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर के इसी बेस का, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये आपका x माइनस वन आ गया इसकी पावर क्यूब में, और यहाँ पर आपका आ गया 4 इंटू x प्लस 2 की पावर 4 माइनस वन की, तो 3 हो गई, और इसमें आप अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं, x का 1 हो गया प्लस कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 2 की पावर हो गई 4, और इधर आप देखें ये 3 आ गया, इसमें x माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की, तो 2 हो गई। यहाँ पर भी आप देखें x का डेरिवेटिव 1 और 1 का कॉन्स्टेंट का 0, ठीक हो गया। इसको चाहे अंदर वाली ब्रैकेट्स को आप करली ब्रैकेट्स में लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू, ये आपका हो गया x माइनस 1 का क्यूब, और इसके साथ ही आपके पास है 4x, और हाँ यहाँ पर अब आप ये देखें ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, अभी नेक्स्ट में कर लेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर क्यूब में, और 1 प्लस 0 1 ही हो गया ना, खत्म हो गया। बस इसी तरह यहाँ पे देखिए x प्लस 2 की पावर 4 हो गई, और इसके साथ ही आपका 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर हो गई 2। अब आपने क्या करना है, देखें इनमें कुछ चीज़ें कॉमन ली जा सकती हैं, तो हम ऐसा कर लेते हैं। सो dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो आपके पास x माइनस 1 का इधर क्यूब है, इधर x माइनस 1 का स्क्वायर है, आप पूरे का पूरा x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये क्यूब वाला आपका जो है ये 1 हो जाएगा, और वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 4 और इसमें 3 है, तो आप पूरे का पूरा x प्लस 2 की पावर 3 भी कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो आपके पास x माइनस 1 की पावर क्यूब बाहर स्क्वायर है, एक बच जाएगी, हो गया काम ये। दूसरा आपके पास ये 4 अंदर ही रहेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ अरेंजमेंट के मुताबिक, पहले देखते हैं यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है, फिर ये x माइनस 1 की पावर है इसमें से 2 बाहर निकल गई, एक बच गई, और उसके बाद एक मिनट रुकिएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, और x प्लस 2 की पावर क्यूब थी वो आपको पता सारी की सारी बाहर आ गई है। प्लस अब इस बारे में देखें तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 2 की पावर कितनी है, 4 है, है ना, x प्लस 2 की पावर 4 है, और बाहर आपके पास x प्लस 2 की पावर क्यूब है, तो एक आपकी जो है ये एक तो 3 बचेगा, और साथ ही x प्लस 2 की पावर एक 1 भी बच जाएगी, इसलिए 3 पहले लिखा है, बाद में वाला अजीब सा हो जाएगा। और x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है वो भी देखिए बाहर मौजूद है ऑलरेडी, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, यही बाकी बचता है ना, थोड़ा सा इसको आपने फोकस करना है। फिर आप देखेंगे dy
डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, एक तो आ गया आपका एक्स माइनस वन का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू की पावर क्यूब, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर प्लस थ्री एक्स और प्लस आपका थ्री टू द सिक्स। अब आपके पास जो इसका आंसर बन रहा है ना, डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स में थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये पेज यहाँ पे हो गया एंड, तो आगे आपको नजर आना मुश्किल हो जाएगा। सो डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स ये नजर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक तो हो गया आपका एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक हो गया आपका एक्स प्लस टू का क्यूब, और यहाँ पर आप देखिए कि फोर एक्स में एक एक्स ऐड हुआ तो सेवन एक्स हो गया, और ये आपका हो जाएगा सिक्स में माइनस फोर किया तो टू आ गया। ये आपका आंसर बन रहा है, आप अकॉर्डिंग टू बुक कर लेते हैं। क्वेश्चन थ्री का पार्ट फोर है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस टू का क्यूब, ठीक है, इंटू सेवन एक्स प्लस टू, प्लस टू कह रहे हैं, रुके सेवन एक्स प्लस में ही आएगा, देखिए सिक्स पॉजिटिव है और माइनस फोर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, गलती पता लग जाती है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट फोर था ये समझ आ गया होगा ये, और इसके साथ ही जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।